अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप लोग देख रहे हैं क्विक स्टार्टअप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू ऑल कि मेरी फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जो कि ऑफलाइन की ऐप की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना पसंद करेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि आपको मल्टीपल कैटेगरीज के साथ जो है ना मैं आपको ऑफलाइन की ऐप दूँगा। तो उससे पहले ही मुझे याद है कि मैं पहले ये वीडियो बना दूँ कि फोर्ट आसम जो है कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि उस ऐप में मैंने यही यूज़ किया हुआ है मल्टीपल कैटेगरीज में, तो लोगों को फिर मुश्किल होगी, इसलिए सोचा मैंने पहले ये बना दूं। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल या परसों जो है ऑफलाइन की उससे मल्टीपल कैटेगरी के साथ आ जाएगी। तो चलिए, छोटा सा ट्यूटोरियल, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने बटन्स पर जो है ना आइकन यूज़ किया हुआ है। ये जो है कोडलर पर है और ये उसमें ब्लॉक्स के अंदर ही हमें एक दिया गया है ब्लॉक, उसी में हमने जो है ना कोड उठा के, जिस तरह के अगर आपने मटेरियल आइकन्स यूज़ किए हैं तो उसमें भी हम कोड डालते थे, उसमें हम टेक्स्ट देते थे, इसमें जो हम कोड डालते हैं। तो आपको मैं जो ब्लॉग्स पार्ट पे दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो अभी मैंने काम तो इस पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बटन लगाए हैं, उस पर मैंने आइकन जो है लगाए हैं और ये आइकन हमें दिए गए होते हैं। चलिए मैं आपको जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ कि कोड मैंने कहाँ से लिए वाले जी। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, इसमें मैंने सिर्फ स्क्रीन वन एक ही स्क्रीन यूज़ की हुई है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली है मैंने, उसमें जो है मैंने ये दो बटन लिए हैं और इनकी जो है हाइट और विड्थ जो फिल पैरेंट मैंने की हुई है, और बटन्स की भी जो हाइट और विड्थ है वो मैंने फिल पैरेंट की हुई है, ठीक है। और शेप इनकी मैंने राउंड की है, आपने इसको ओवल रखना हो, रेक्टेंगुलर रखना हो, जो भी रखना हो वो आपको जैसे सूट करे आप रख सकते हैं। और ये मैंने इसका टाइटल दिया होगा, इसी तरह ये एप्पल लिखा हुआ है और इसकी भी फिल पैरेंट मैंने की हुई है, फेसबुक ग्रुप, इन सब कुछ जो है मैंने फिल पैरेंट पे रखा हुआ है। और टेक्स्ट साइज जो है मैंने 16 है और बोल्ड रखा हुआ है इसको मैंने। अच्छा, ये जो है बटन सिंपल है, ये वाला ये जो बटन है ये मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेशल बटन नहीं है, इसी की प्रॉपर्टीज चेंज की हुई है। तो ब्लॉक्स में दिखाता हूँ कि ब्लॉक्स में मैंने क्या किया हुआ है। ये देखें, सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें, बस जो बटन मैंने यूज़ किए हैं वही बटन है। जब स्क्रीन इनिशलाइज होगी तो बटन वन को कॉल विद कॉल करेगी, बटन वन को विद आइकन फ्रॉम फ्रंट आसम फ्रंट आसम। और ये इसके जो बाकी हैं प्रॉपर्टीज़, ये देखें यहाँ पे अगर आप आएंगे बटन में तो सबसे पहले वाला ब्लॉक जो है ये वाला है, ये मैंने यहाँ पर लगाया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पोजिशन आइकन की पोजीशन पूछ रहा है कि कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं आप, मैंने टॉप पे रखा हुआ है, आप टॉप पे लगाना चाहें टॉप पे लगा लें, बॉटम पे या सेंटर में जहाँ दिल करें। ये छोड़ें, ये इसको बताता हूँ आपको मैं, आइकन मैंने कहाँ से लिया। फिर अच्छा, इसका कलर है, कलर जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लें या यहाँ पे कलर्स वाला एक बार है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलर जो भी अपनी मर्जी का आपने डालना हो। ये देखो पैडिंग वन, ये उसमें पूछ रहा होता है कि सेंड पैडिंग, मतलब ओवरऑल पूछ रहा होता है कि जो बटन है उसमें किस पैडिंग पर रखना है, किस साइज़ है बटन उसका, आइकन का क्या रखना चाह रहे हैं आप। वो बटन के हिसाब से, मेरे बटन बड़े हैं तो मैंने इसका साइज़ 1-5 रखा है, अगर आपके बटन छोटे हैं या मतलब ज़्यादा बटन यूज़ कर रहे हैं आप स्क्रीन पर तो साइज़ कम कर दें, और अगर बटन कम यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन इसका साइज़ बड़ा कर दें आइकन का, जिस तरह आपको इजी लगे। और जो टाइटल है वो आपने यहीं पर देना है, बटन के जो है प्रॉपर्टीज़ में यहीं पे आपने इसका जो भी होगा, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे दिया होगा, ये देखो यहीं पे आपने देना है। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि ये जो कोड है ये मैंने कहाँ से लिया, इसके लिए ये हमें एक शीट मिलती है, उनकी वेबसाइट है फोटो आसम की, यहाँ पे सारे आइकन जो है दिए गए हैं, ठीक है। मैंने भी यहीं से उठाए हैं, ये देखें ये एंड्रॉयड का है, तो इसका ये जो कोड है ना ये आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करके इसको आपने यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ इसको आप पेस्ट कर देंगे, सॉरी कंट्रोल भी कर रहा हूँ इसको मैं, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, ठीक है, ये एंड्रॉयड का ही है। इसी तरह यहाँ पे ये एप्पल का है, फिर मैंने फेसबुक का लिया था, फेसबुक का भी यहीं पे था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 1000 के हिसाब से जो आइकन दिए गए आपने, जो भी चूज़ करना हो, जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, जो सूट कर रहा हो आपको, आपने यहाँ से सिर्फ इसका कोड ये अलग कॉपी करना है और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है,
इसको ज़्यादातर आप इनिशियलाइज़ पे लगाएं ताकि जो है ना ये ऐप ओपन होते ही जो है ना ये आइकन आप पे शो हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रोल पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मैं जो है एक कल या परसों जो है मैं मल्टीपल कैटेगरीज के साथ क्यूज ऐप जो है उसकी वीडियो और AI फाइल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।